सर्दियों का मज़ा असली ये है, इसे कहते हैं सर्दियों का मज़ा। भाई आग कैसे बुझेगी, है बुझेगी? गर्मा गर्म बन रही है अभी, और इसको बनने में कम से कम एक घंटा लगेगा। एक दिन में कितना किलो बना लेते होगे? 10 किलो आराम से, 10 किलो निकल गया। तो ये है वो तरीका जिसके लोग हैं दीवाने, जिससे मटन गर्म होता है। ये मटन गर्म हो रहा है भट्टी पे गर्मा गर्म, और आप देखिएगा जी मटन आपको, वाह है ना, घर जैसा एकदम बढ़िया सा। तो ये देखो भाई, ये है वो प्रीतम मीट वाले का फेमस मटन करी, एकदम मोटे मसाले डाला है, पीसीस देखो कितने बढ़िया से, ये देखिए। तो भाई देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो भाई क्या बढ़िया इसका मटन, बढ़िया। सब्सक्राइब कीजिए दिल से फूडी चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फूड ब्लॉग्स देखने के लिए। अशोक और अशोक मीट ढाबा है, ये बस्ती हरपूल सिंह सदर बाजार है, और ये जो शॉप है इतनी फेमस है अपने मटन के लिए कि जिससे कि ये सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन मटन बेचते हैं, बाकी सारा दिन इनको आपको यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको चिकन मिलेगा, मटन मिलेगा सिर्फ वेडनेसडे और सैटरडे। और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसा है इनका मटन, कैसे बनती है रोटियाँ, कितने रुपए का है, और कुछ लोगों से बात करके बताएंगे। चलिए मेरे साथ। तो ये देखिए गर्मा गर्म रोटियाँ बनी जा रही हैं, बाइट साइज रोटी जैसे कहते हैं ना वो है, ये 2 कढ़ाई की रोटी है। आप साइज़ देखो तंदूर में कितना बढ़िया लग रहा है भैया। एक बारी में कितनी रोटी लग जाएगी इस तंदूर में? इतना तो बहुत छोटी रोटी है, कितनी लगा लेते एक बारी में? 35। क्या बात है भाई। और ये रोटी फ्री है, आप अगर आप मटन लेते हो या चिकन लेते हो तो उसकी ग्रेवी के साथ आप खाओ, मटन के खाओ, जितनी रोटी आपको चाहिए उतनी रोटी आपको मिल जाएगी गर्मा गर्म। 7 से 8 किलो रोज बनता है, और सिर्फ इतना बचा है। ये देखिए, ये है चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी, जो बोलोगे उसमें पीस डाल के आपको दे दिया जाएगा। तो ये है वो तरीका जिसके लोग हैं दीवाने, जिससे मटन गर्म होता है। ये मटन गर्म हो रहा है भट्टी पे गर्मा गर्म, कोयला नीचे जल रहा है। और अगर आप बोलोगे कि आपको टेबल पे चाहिए आपकी ऐसे ही सेम, तो ये एज इट इज़ उठा के टेबल पे चला जाएगा, और इसी में से आप रोटी लगा के खाओ। तो ये रहा मेरा टेबल गर्मा गर्म, हॉट टेबल, और ये हॉट प्लेट, ये देख रहे हो उबल रहा कैसे, एक फ़ोटो तो बनती है यार। सर्दियों का मज़ा असली ये है, इसे कहते हैं सर्दियों का मज़ा। भाई आग कैसे बुझेगी, हैं बुझेगी? पता लगे मैं ही जल जाऊँ, क्या बात है। चम्मच भी जल रही, वाह वाह वाह। 4 रोटी लिए मैंने, और ये रही मटन, ये मैंने प्लेट चेंज करा ली, बड़ी प्लेट करा ली, उसमें आग लग रही थी छोटी प्लेट में। ये देख रहे हो ये आवाज़ सिजलिंग, सर्दियों के मज़े असली इसी में ही है। अब टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है टेस्ट। ये एक्चुअली 3 पीस है, शायद हमें एक्स्ट्रा मिल गए, कोई नहीं। भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत खूब गरम, बहुत है। मनमीत की बात सच हो गई, जिसका मटन आधे घंटे में 8 किलो बिक जाए उसका टेस्ट कैसा होगा वो अंदाज़ा शायद आपको लग जाना चाहिए। अगर आपको भी यहाँ पर आना है तो ये हरपूल बस्ती सदर बाज़ार में है, कभी भी यहाँ पर आएँ इसे ज़रूर ट्राई करें। वेडनेसडे और सैटरडे सिर्फ मटन मिलेगा, बाकी सारे दिन आपको ट्यूसडे छोड़ के सारा दिन आपको चिकन करी, मतलब कि चिकन ज़रूर मिलेगा, चिकन बिरयानी मिलेगी, अनलिमिटेड रोटी, 300 रुपये प्राइस, ये पूरा सिस्टम कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ अशोक और अशोक मीट ढाबा में मिलेगा। तो कैसा न हो बाबू, अरे मैं बिहारी भाषा के बोल रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है, क्यों? क्योंकि आज हम आए हैं चंपारण, चंपारण का मटन खाने के लिए, और ये बिहारी स्टाइल मटन बनाते हैं। और ये जो डिश है ये पटना की डिश है, हाँ मुठियारी, ये देखिए कि गर्मा गर्म बन रही है अभी, 2 घंटा लगता है मटन बनने में, और ये कोयले की आंच पे पक रहा है। देखिए ग्रेवी जो है अच्छे से उबल रही है, और वैसे भी हम सबको पता है कि कोयले की आंच पे धीरे धीरे जो पकता है ना उसका टेस्ट बहुत बढ़िया निखर के आता है। ये है मटन, देखिए भाई मज़ेदार, आप देख सकते हो एकदम मोटे मसाले डाला है, पीसीस देखो कितने बढ़िया से, ये देखिए मज़ेदार। इनके पास होती है तवा रोटी, घर जैसा मटन और घर जैसी रोटी के साथ खाने में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट।
भाई ये देखिए आप, गर्मा गर्म तवा रोटी बन रही है। कितने रुपए की रोटी है? 5 रुपए की बस। थोड़ा सा चावल भी ले लेंगे साथ में। क्या बात है, देखिए इसके अंदर रोटियां रखते हैं ये। चलिए अब बारी है टेस्ट करने की। अब हम टेस्ट पे आएंगे सीधा और आपको बताएंगे कि कैसा है इसका टेस्ट। ये देखिए ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। इन्होंने जो है मोटे मसाले जो होते हैं, खड़ा मसाला, वो पूरा डाला हुआ है। लहसुन डाला हुआ है, देखो लहसुन भी डाल रखा है इसके अंदर। चलो टेस्ट करके देखते हैं, एक बार उठा के देखते हैं, बढ़िया से खा के देखेंगे यार। अरे ये देखिए, इसमें कौन सा तेल डालते हो? सरसों के तेल में बनाते हैं। सरसों के तेल में? टेस्ट बहुत अच्छा, गरम बहुत है, फ्लेवर बहुत अच्छे हैं, लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि घर जैसा, घर में जैसे बनाया। मेरे लिए सुपर डिश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मेरे को खा लो। कैमरा हटाओ, खान दो भाई। तो लीजिए जनाब, एक बार फिर से मैं आपको लेकर आया हूँ मायापुरी में। भाई मायापुरी में ख़जाना बहुत है। आज मैं जो लेकर आया हूँ यहाँ पर मटन, अंकल जी खुद बनाते हैं 30 से 35 साल पे यहाँ पे। और कहाँ पर आए हैं? मायापुरी फेज 2 आए हैं, सुंदर बेरिंग मार्केट के जस्ट सामने। आपको देखिएगा ये कार्ट, छोटा सा कार्ट बोलूँगा मैं इसे, कोई फैंसी सी दुकान नहीं है। और मटन अंकल के हाथ का जो टेस्ट है ना भाई, यहाँ के लोग तारीफ करते थकते नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली में कि ये मटन कैसा है, कितने रुपए का है, बन कैसे रहा है, कितनी टाइमिंग क्या है, सब चीज़ें बात करेंगे। चले एक बार देखें कि ये बनता कैसे, कितने रुपए का, टेस्ट कैसा है। चलिए तो ये देखो भाई, ये है वो प्रीतम मीट वाले का फेमस मटन करी। एक प्लेट कितने रुपये कहती है? 150। और कितने पीस होते हैं? 2 पीस। क्या बात है। और चार रोटी साथ में 150 रुपये के अंदर ही, 4 रोटी सलाद 2 पीस मटन के, बढ़िया से आपका यहाँ पे लंच हो सकता है 150 रुपये में, एक बंदा आराम से खा सकता है। तो भाई देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये सारा कुछ अंकल आप अपने आप बनाते हो? सब यहीं पर तैयार होता है। ये रहा मटन। तो एक दिन में कितना किलो बना लेते होगे? 10 किलो आराम से, 10 किलो निकल गया 9 से 4 में ही। और आपको बताऊंगा कि मटन कैसा है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग वही खा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पे ऑफिस है, मतलब दुकानें हैं, तो लोगों का मतलब कि सीन सेट है कि भैया लंच करना तो यहाँ करना है। प्रीतम, आपका नाम ही प्रीतम है? प्रीतम मीट वाले, यही क्या सरदार जी का नाम है प्रीतम। ऐ की है दाल की कलर बड़ा अच्छा लग रहा है यार, लुक एट दिस। ये देख भाई, ये जैसे वो वाली उदाल होती है ना, मिक्स चने की और काली और राजमा, 5 दालें मिक्स है। 5 दालें मिक्स है, बहुत बढ़िया। मूली दिख रही है मेरे को, क्योंकि पता है कि प्याज तो आसमान पे छू रहा है। चावल डल गए भाई, ये देख, ये ऐसे प्लेट ख़त्म होती है जब ग्रेवी बच जाती है। बट सीरियसली यार, मज़ा आ रहा है, टेस्ट करें मन नहीं। अब हम लेते हैं और टेस्ट करते बताते हैं वो टेस्ट कैसा है। हमारी प्लेट लग चुकी है, क्या बात है। थोड़ा सा रोगन, क्योंकि इस पर ना फ्लेवर बहुत होता है एक्चुअली। ये आ गया जी मटन हमारा, अब इसी के साथ यहाँ पे रोटी आ जाएगी और फिर हम टेस्ट करके बताते हैं वो टेस्ट कैसा है। लगता है गैस वाला, ये रोटियाँ लग रही है इधर से, अन्य इधर आ जाइए, ये दिख रहा है, देख रहा है। तो ये देखिए जनाब, मटन आ चुका है और मैं जैसे देख रहा हूँ ना, ग्रेवी बहुत अच्छे से पकी हुई है। आपको देख रहे हो कि धीमी आँच पे पकता जा रहा है मटन, क्या बात है। सुबह यहीं पर पकता, सारा कुछ एकदम फ्रेश है और तंदूरी रोटी एकदम बढ़िया सी। अगर आपको ये रोटी, 4 रोटी इसके साथ आ रही है, 150 रुपये का जो कॉम्बो है इसके साथ मिलेगी। अगर आपको स्टिल आपको लग रहा है कि मेरे को रोटी और चाहिए, तो 5 रुपये की एक रोटी है, आपको गर्मा गर्म 5 रोटी मिल जाएगी, 5 रुपये की एक रोटी मिल जाएगी। सही जगह आए हैं। ग्रेवी का जो टेस्ट है ना, वो एकदम अलग है। मतलब मटन का जो जूस है, जो जूसेस है, वो पूरे के पूरे अच्छे से आ रहे हैं, खड़े मसाले से बना है। और ठंड में इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ हाँ, टेंडर लग रहा है ना? नहीं, बहुत सारा टेंडर नहीं है, बट ठीक है, इतना ही ठीक है, देखने में तो लग रहा है।
बट सीरियसली यार टेस्ट बहुत अच्छा है। मटर है, आलू है, ऊपर मीट की तरी डाल दी है। टू गुड है, पूरा पैसा वसूल है। 150 रुपये में 2 मटन के पीस, 4 रोटी और सलाद। कभी भी यहाँ पर आए तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। टाइमिंग का ध्यान रखना है, 9 बजे से 4 बजे तक है और मेरे रिकमेंडेशन है कि आप 1-2 बजे तक ही आए। तो कभी भी यहाँ पर आए ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, क्योंकि यहाँ पे फॉलोवर जब बढ़ते हैं ना मज़ा आता है। और ये रहा मनमीत का, इसको भी फॉलो कर लो। ये तो ये बोलेगा भाई मटन तो खिलाया नहीं खिलाया, फॉलोवर तो बढ़ा दे मेरे। नहीं नहीं, कई लोगों ने फॉलो किया यार, थैंक यू यार। थैंक यू भाई, मिलते हैं भाई आपको नई वीडियो में जल्दी से। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज हम आए हैं मायापुरी जंक मार्केट बाला मीट वाले पे, और मैंने सुना है इनके बारे में कि मटन बहुत बढ़िया बनाते हैं। कितने रुपए का और कैसा इसका टेस्ट, चलिए। तो देखिए ये इनकी किचन है और सब कुछ भरा पड़ा है, मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या मिलता है। ये देखिए, ये है इनकी राजमा और दाल, ये मिक्स है राजमा दाल जो लंगर वाली होती है वही चीज़ है। ये है मटन काली मिर्च, क्वांटिटी बहुत कम बची क्यों, क्योंकि मैं लेट आया हूँ। ये इनका मटन है, दिस वन इज़ मटन जो मैं आज ट्राई करने वाला हूँ, जो देखकर इतना बढ़िया लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, हाँ हाँ, मैं मटन ट्राई करूँगा और साथ में लूँगा तंदूरी रोटी। ये देखिए, मैंने अपना मटन ऑर्डर कर दिया है और ये गर्म होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ऊपर से सीजनिंग करते हैं गरम मसाला वगैरह डाल के, जितना देखने में अच्छा लग रहा है, आई होप कि खाने में भी उससे बढ़िया ही लगे मेरे को वैसे। और आपको ये टोटल, ये जो शॉप है ये आपकी कितने साल पुरानी शॉप है? ये 40 साल हो गए। 40 साल हो गए, सिर्फ 12 से 4 ही आपको ये मिलेगा। और आप आइए यहाँ पे और ट्राई कीजिए मायापुरी जंक मार्केट। तो ये हमारा मटन रेडी है, अब बस लच्छे पराठे की वेट कर रहे हैं और उसको इन्जॉय करने वाले हैं बढ़िया से। तो लीजिए, टेस्टिंग की बारी आ गई है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया मटन का पीस है, 2 पीस है मटन के, साथ में है लच्छा पराठा, प्याज दिए और नींबू दिया। और ये है गर्मी का सॉल्यूशन, इनकी छाछ, पतली पतली छाछ। ये देखिए, पूरा जग मिलेगा आपको 60 रुपये का। आप इसको बढ़िया से मिक्स करते हैं, पहले ग्रेवी चेक करूँगा। ये देखिए, अरे बैठ जाता हूँ आराम से यार, आराम से बैठ के खाता हूँ। मटन बहुत टेस्टी है, फ्लेवर बहुत अच्छा। अब पीस ट्राई करते हैं कि टाइट तो नहीं है। 2 मिनट में बहुत सॉफ्ट है। भाई टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्लेवर्स, खड़े मसालों का भी फ्लेवर आ रहा है अपना, ग्रेवी का फ्लेवर बहुत अच्छा है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो 10 out of 10 फॉर मी। तो वेट किसकी कर रहे हो, यहाँ पर आइए और इसको ट्राई करिए। तो लीजिए जनाब, आज हम आए हैं मायापुरी फेस वन में, मर्सिडीज़ बेंज के शोरूम के जस्ट बाहर, रंजीत के स्पेशल चिकन मटन चावल छोले राजमा रोटी। और आज हम करने वाले टेस्ट और आपको बताएंगे कैसा इसका टेस्ट और रेट पूछते हैं, सब कुछ देखते हैं कि क्या क्या कैसा कैसा बना हुआ है। मुझे ना एक्चुअली मटन का कलर देख के पता चल जाता है कि टेस्ट कैसा उसका। तो चले फिर मन्नी, खरे टेस्टिंग, खाएगा मटन आज? नहीं खाएगा, चलाओ भैया। कि ये है भाई रंजीत जी, शौक को एकदम, जो बंदा एकदम अपना प्रोफेशन बना लेगा ना, वही चीज़ सबसे बढ़िया होती है। मैं आपको दिखाता हूँ मटन, जो एग्जैक्टली जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। रोगन, लुक एट दिस रोगन, वाह फ्लेवर। और आप देखिएगा जी मटन, आपको वाह है ना, घर जैसा एकदम बढ़िया सा, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसको खाएंगे आज हम और आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। लुक एट दिस, ये है चीज़ जिसके लिए मैं मायापुरी आया हूँ। तो मुझे भूख बहुत लग रही है तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और मटन लेते हैं वो टेस्ट करते हैं। ये लीजिए जनाब, हमारा मटन डल रहा है, ये 1 प्लेट मटन डाल रहे हैं और 1 प्लेट मनमीत के लिए चिकन डलेगा। क्या बात है, इसके साथ आप राइस ले सकते हो यार, रोटी या रोटी। तो एक काम करते हैं मनमीत, एक के साथ रोटी ले लेते, एक के साथ राइस ले लेते हैं, है ना?
अब हम टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको कि टेस्ट कैसा है इनका। तो ये देखिए जनाब, ऑर्डर आ चुका है। लुक एट दिस भाई, मटन देख बन्नी, लुक एट दिस यार। और ये काफ़ी ना मटन भी काफ़ी टेंडर लग रहा है, कोई ये नहीं कि भाई कच्चा हो। 150 रुपये के दो पीस यार, वर्थ है यार इसके। ये देख, ओह हो, क्या बात है ये भाई। ये तीन पीस मिले, एक पीस एक्स्ट्रा मिल गया क्योंकि कैमरा था मन्नी के पास इसीलिए। और ये सिंपल रोटी है, पहले चलती है टेस्टिंग, करेंगे हम टेस्ट मटन की ग्रेवी को। मटन की जो ग्रेवी है ना, बहुत बढ़िया टेस्ट है, अमेजिंग टेस्ट है भाई, मज़ा आ जाएगा तेरे को बन्नी। तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हो, या फिर ये आ गया इंस्टाग्राम का पेज, इसको फॉलो कर लो एक बार। जब ये फॉलो हो जाएगा ना, आप यहाँ पर हमारे को DM कर सकते हो कि हम कहाँ जाएं अगले शूट के लिए। और मेरी जितनी भी, हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होती है ना, जो आने वाली होती हैं, उसके अपडेट भी इसी पे आ जाते हैं। और ये आ गया मनमीत का पेज, इसको भी लाइक कर लो, फॉलो कर लो। अब आ जाओ भाई बैक टू मटन। भाई टेस्ट भाई मज़ेदार है, पक्का भाई तुम ही बनाते हो ना? और कौन बनाएगा? पता लगे कोई बना बना ले लेके आ रहा कहीं से ये देख भाई मन्नी, मैं तेरे को मटन तोड़ के दिखा रहा हूँ कि मटन कितना टेंडर है। लुक एट दिस, सिंपल देख रहा है तू? मटन नहीं खाता इसलिए क्यों, तो क्योंकि कई जगह पे ना टाइट होता है मटन, इसलिए ना। ये देख अब जाएगा पेट में, ये देख भाई, ये लास्ट बाइट है मेरी, उसके बाद मन नहीं खाएगा। तो अब आज मेरी भी बारी आई है, तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। मटन तो खा नहीं रहा, तो मैं चिकन ही खाऊंगा। तो पहले रोटी के साथ ट्राई करते हैं। थोड़ा सा ऑयल है बट ठीक है, टेस्ट में चल जाता है। ऑलमोस्ट घर जाता, कोई बहुत मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा नहीं है। काश मैं मटन खाता होता यार। टेस्ट कर ले, ग्रेवी टेस्ट कर ले, कीमत थोड़ी है उसमें। हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, आपके लिए ओपन है। जो आपको अगर कोई और ऐसा कुछ और काट हो तो भी बताना, यहाँ आओगे तो भी बता देना। बाकी हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर 1 मिलियन।